नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीएल चल न्यूज, आपकी आवाज। आज नजीबाबाद प्रधान संघ के अध्यक्ष प्रशांत चौधरी के नेतृत्व में लगभग 3 दर्जन ग्राम प्रधान बिजनौर कलेक्ट्रेट में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अखिल भारतीय प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष सचिन मलिक को अपना समर्थन दिया, जिसके बाद नगीना तहसीलदार द्वारा ग्राम प्रधान दौलताबाद के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के विरुद्ध एक ज्ञापन डीएम बिजनौर को सौंपा, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए नगीना तहसीलदार अनुराग सिंह को निलंबित करने की मांग की। दरअसल आजकल एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें तहसीलदार नगीना ग्राम प्रधान दौलताबाद फैसल के साथ बातचीत के दौरान जमकर गाली गलौच करते हुए निहायती अभद्र व्यवहार करते सुनाई दे रहे हैं। बातचीत के दौरान अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल से जिला बिजनौर के सभी जनप्रतिनिधियों में रोष फैलता नजर आ रहा है। मामला ये है कि ग्राम पंचायत दौलताबाद में कब्रिस्तान की भूमि पर 50 पेड़ काटने को लेकर स्थानीय वक्फ कमेटी ने वन विभाग से अनुमति ली थी, जबकि मौके पर 50 से भी कम पेड़ काटे गए थे, जिसमें कुछ लोगों की शिकायत पर तहसीलदार नगीना ने लेखपाल को भेजकर कटान रुकवा दिया था और काटे गए पेड़ों को ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया गया था, जिसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर समस्या का समाधान कराकर SHO की निगरानी में कटे हुए पेड़ों को ठेकेदार को उठवा दिया गया था, जिसके बाद तहसीलदार नगीना अनुराग सिंह ने ग्राम प्रधान दौलताबाद को फोन कर धमकी देते हुए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके खिलाफ आज प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष सचिन मलिक के नेतृत्व में जिले भर के सैकड़ों ग्राम प्रधान बिजनौर कलेक्ट्रेट में पहुंचे, जहां पर उन्होंने तहसीलदार नगीना के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तहसीलदार के शीघ्र निलंबन को लेकर DM बिजनौर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद DM द्वारा 4 दिनों के भीतर मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। प्रधान संघ का कहना है कि अगर 4 दिनों के भीतर तहसीलदार को निलंबित नहीं किया गया तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी, मैं ग्राम प्रधान मोहम्मद फैसल हुसैनाबाद से। जी, हमारे गांव में एक वक्फ बोर्ड में कब्रिस्तान है जो 3.5-4 बीघे में है, वहाँ पे यूकेलिप्टस के पेड़ खड़े हुए, उसमें 50 पेड़ों की परमिशन कमेटी ने ले ली थी वक्फ बोर्ड से और वन विभाग से। सभी जगह से परमिशन लेने के बाद उन्होंने पेड़ काटने चालू कर दिए। पटवारी जी का मेरे पास कॉल आती है कि प्रधान जी, आपके पंचायत में पेड़ काटे जा रहे हैं, वहाँ पहुँचो और उनको रुकवाओ। मैंने वहाँ जाके पेड़ को रुकवाया, उसके बाद मैंने अध्यक्ष को फ़ोन किया।